नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बोट इज सेंड अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ एट किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज़ टेन किलोमीटर पर आवर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर विल बी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ट्वेल्व पॉइंट एट किलोमीटर पर आवर सिक्स किलोमीटर पर आवर एट एंड टेन किलोमीटर पर आवर ये सवाल दो बार नीट में पूछा हुआ है सो बड़ा ही सिंपल सवाल है वेक्टर्स का सवाल है वेक्टर्स और रिवर को हम यूज़ करके ऐसे यूज सॉल्व कर सकते हैं सो आपने एक बोट को यहाँ से ए से बी पे सेंड किया है बोर्ड की स्पीड है एट रिवर की स्पीड बतानी है और उसकी रिजल्टेंट है टेन नाउ रिज़ल्टेंट वेलोसिटी हमें पता है कि अगर सी स्क्वायर की बात करें सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो हम रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये सी जो है ये रिजल्टेंट अपने को दिया हुआ है सो दिस विल बी टेन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को रिवर की स्पीड निकाली लेट्स कॉल इट बी ये वाला वेक्टर हो गया है इसको आपने बी का है ये वाला वेक्टर ए का है और कॉस्टिटा यहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई एट मल्टीप्लाइड बाय बी और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट थीटा कॉस्टिटा को हम ये अज्यूम कर सकते हैं नाइन्टी डिग्री सो दैट विल बी कॉस्ट ऑफ नाइन्टी डिग्री सो कॉस्ट नाइन्टी जीरो हो जाएगा ये टर्म जीरो हो गई तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी एट सॉरी टेन स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर का होल अंडर रूट ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी इससे अपना रिजल्ट मिल जाएगा और इससे अपने बी की वैल्यू आ जाएगी सिक्स किलोमीटर पर आर नाउ कॉस्ट नाइन्टी हमने क्यों माना है क्योंकि अदरवाइज कोई और डेटा आपने को दे नहीं रखा है यहाँ पर और ये वर्ड जो लिखा है सेंड अक्रॉस अ रिवर सो वी कैन सेफली इट टू बी नाइन्टी डिग्री और उससे अपना आंसर आ रहा है राइट सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर